हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ग्राइंडिंग व्हील का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको डिटेल में और शॉर्ट में बताऊंगा कि ग्राइंडिंग व्हील के किस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर टेक्निकल एग्ज़ाम जो आपका आईटीआई लेवल का या फिर मैकेनिकल ट्रेड से जो आप एग्ज़ाम देते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर किस तरह के अक्सर जो है ग्राइंडिंग व्हील से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होती है और हमने काफ़ी वीडियो पहले भी अपलोड की है उसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का जो टॉपिक है आज, तो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका इंग्लिश वर्जन में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए। तो देखिए, ग्राइंडिंग व्हील का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए, ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव और बॉन्ड को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसके बाद जो ग्राइंडिंग जो एब्रेसिव होते हैं हमारे, वह दो प्रकार के होते हैं, यहाँ देख सकते हैं। एक प्राकृतिक होता है और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक होता है जो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं और कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, लिखा है कि कृत्रिम एब्रेसिव जो है यह एक मुख्य रूप से जो है बनाए जाते हैं और जबकि प्राकृतिक एब्रेसिव या प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एब्रेसिव होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का लिखा गया है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, प्राकृतिक एब्रेसिव, नेचुरल जो एब्रेसिव होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले कि नंबर एक जो है एमरी होता है, जिसके बाद जो डायमंड जो हीरा होता है, इसके बाद यहाँ तो कोरंडम। तो ये तीन हम तरह के जो हमारे नेचुरल एब्रेसिव हैं। तो ये अक्सर जो है क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव है, या पूछ लेगा नहीं है। तो है में तो दोस्तों, जैसे कि आप तीन ऑप्शन आपको ए बी सी तीनों मिल जाएंगे, और नहीं है में आपको एक एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड मिल सकता है। तो क्वेश्चन जो है किसी तरह के भी आ सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होगा कि प्राकृतिक एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कोई पूछ लेगा तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। तो इसके बाद होता है कृत्रिम एब्रेसिव। कृत्रिम एब्रेसिव जो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं, तो इसमें जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर जो सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये दो तरह के होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड में ग्रीन और ब्लैक जो है अलग अलग होते हैं। तो ये जो है कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये दो क्लियर हो गया आपको। इसके बाद चलते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील की जो परिभाषा है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे आप देखिए, चार मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा जिसमें से काफ़ी बार जो है टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे के समान चमक जाने को ही ग्लेजिंग कहते हैं। तो जब हम किसी ग्राइंडिंग व्हील पर कंटिन्यू काम करते रहते हैं, कोई भी अपने जो जॉब को ग्राइंड करते रहते हैं, तो वह हमारा जो एब्रेसिव कण होते हैं उसके घिस जाते हैं और उसमें एक चमकनेस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेस जो है उसका शीशे के समान चमक जाता है। ठीक है, तो जिसे उसी दोष को हम जो है ग्लेजिंग कहते हैं। तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ग्राइंडिंग व्हील शीशे के समान चमक जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आपको चारों ऑप्शन में ये मिल सकते हैं, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग, ट्रूइंग। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको ऑप्शन जो चूज करना है। तो वह यदि वो शीशे के समान चमकने की बात कर रहा है तो वो ग्लेजिंग होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, व्हील के फेस पर धातु के कण फंस जाने को लोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी कोई किसी चीज़ ग्राइंडिंग व्हील पे जो है कोई भी जॉब को ग्राइंड करते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे जो धातु के जो मेटल के कण हैं, तो जो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके अंदर जो है फंस जाते हैं कणों के। तो कणों में जो है उसके जब दांतों की स्पेसिंग होती है, ठीक है, उसमें जो कण हमारे फंस जाते हैं, तो वह हमारा होता है लोडिंग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील को साफ करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे सबसे पहले हम ड्रेसिंग कहते हैं। ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रेसिंग टूल आता है जिससे जो हम जो ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस जो शीशे के समान चमक जाता है उसको जो है सही करने के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों हम ट्रूइंग। और दोस्तों, ये सभी हमने जो टॉपिक अपने पहले की वीडियो में अपलोड किए हैं, यदि आपने वो नहीं देखा तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वीडियो को भी जरूर देखें, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जो है ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रूइंग। ट्रूइंग क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील के कोई स्पेंडल पर माउंट करने की विधि या व्हील के फेस की आकृति सही करना, यदि वह टेपर में है या कोई किनारा ग्राइंडिंग व्हील का टूट गया हो, तो वहाँ पर जो है ट्रूइंग की जाती है इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रूइंग हो गया। चारों के चारों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम कुछ जो है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा है कि कार्बाइड और सिरामिक टूल को ग्राइंड टूल, ये तो को लिखा है आप इसे कोपड़े ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्बाइड जो सिरामिक टूल होते हैं उसको जो हम डायमंड व्हील का प्रयोग करते हैं, काफ़ी जो हार्ड होता है कार्बाइड और सिरामिक टूल, इसलिए जो डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे हाई टेंसल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो एब्रेसिव कण होता है जिसके लिए ग्राइंडिंग व्हील बना होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, लो टेंसल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हाई
हार्ड ग्रेड व्हील किन धातु पर प्रयोग किए जाते हैं? तो हार्ड ग्रेड व्हील जो है नरम धातुओं पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 का नंबर क्वेश्चन देखा है, ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील को कहते हैं स्ट्रक्चर। तो जो ग्राइंडिंग व्हील के कण जिससे जो है ग्राइंडिंग व्हील बनाया गया है बॉन्ड और एब्रेसिव को मिलाकर, जो एब्रेसिव कण जो होते हैं उसके जो आपस में जो दूरी होती है एक कण से दूसरे कण की जो दूरी होती है हमारी, वह हमारी जो है स्ट्रक्चर कहलाती है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है ग्रेन स्पेसिंग ऑफ व्हील को कहते हैं स्ट्रक्चर। इसके बाद चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पर, सॉफ्ट ग्रेड व्हील का प्रयोग किया जाता है हार्ड धातु पर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिए आप, हार्ड ग्रेड वाला जो व्हील होगा वह नरम धातु पर होगा और जो सॉफ्ट ग्रेड होगा वह होगा हमारा हार्ड धातु के लिए। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखें, ड्रेसिंग करने वाले औजार को कहते हैं, तो वहाँ पे जो है व्हील ड्रेसर, उसे हम जो है व्हील ड्रेसर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें 8 क्वेश्चन, सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग द्वारा किस जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है? तो वहाँ पर जो है सैंड बेल्ट जो होती है हमारी, उसमें जो है टेढ़े मेरे आकृति की कोई यदि कोई जॉब है तो वहाँ पे हम सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग व्हील या ग्राइंडिंग मशीन का हम प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे जो है एक बेल्ट जो होती है दोस्तों, वो हमारी जो है जैसे जिसे आप एमरी बोलते हैं उसका हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, साधारण भाषा में उसे रेगमाल भी कहते हैं, तो वहाँ पे सैंड बेल्ट में वही यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे, देखें डिश व्हील का प्रयोग, कटर के दांते तेज करने के लिए डिश व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ग्रेन साइज को मापा जाता है, ग्रेन साइज जो होते हैं हमारे उसको प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन देखें, ISI के अनुसार ग्रेन साइज को वर्गीकृत किया गया है, तो 10 से 600। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 600 तक जो है ग्रेन जो हमारा साइज़ होता है उसको जो है दिखाया जाता है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट आगे जो है वीडियो की इसी वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा तो किस तरह से इसको देखते हैं। इसको देखें स्ट्रक्चर नंबर में पाए जाते हैं, तो 1 से 16 नंबर तक स्ट्रक्चर जो है पाए जाते हैं। इसके बाद पोर्टेबल ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है कास्टिंग के बाद वेल्डिंग शॉप में जो पर फालतू धातु को काटने के लिए। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील का एक प्रकार जो का औजार है, ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का औजार है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्राइंडिंग व्हील में काफ़ी सारे जो छोटे छोटे कणों को मिलाकर बनाया जाता है, तो वह सभी जो है जितने भी एब्रेसिव कणों को मिलाकर बनाया वो सभी उसका कटिंग टूल है, उसी से जो है किसी धातु को किसी जॉब को कटिंग करता है। तो जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ग्राइंडिंग व्हील। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो है रेजिनाइट को बनाया जाता है, तो रेजिनाइट को रेजिन से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए विक्ट्रीफाइड बॉन्ड को किस क्ले से बनाया जाता है, तो यहाँ पे चीनी मिट्टी, तो आप याद रखें चिकनी मिट्टी ना करके आए, यहाँ पे लिखना है आपको ऑप्शन में मिल जाएगा चीनी मिट्टी। तो जो हमारा विक्ट्रीफाइड जो बॉन्डी होता है तो वह हमारा चीनी मिट्टी से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्ट्रीफाइड बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, तो वहाँ पर वी से करते हैं। इसके बाद रेजिनाइट बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर जो बी होता है। इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड को किस अक्षर के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है, वह हमारा सी होता है, और यदि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो वह हमारा होता है ए। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए होता है, सिलिकॉन कार्बाइड सी होता है, रेजिनाइट बी होता है, और विक्ट्रीफाइड को वी से करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, स्नैगिंग क्रिया है, स्नैगिंग क्रिया जो है हमारी ग्राइंडिंग की क्रिया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है। इसके बाद चलते हैं 22, अधिकतर प्रयोग में होने वाली ग्राइंडिंग बोर्ड है, तो वहाँ पे अधिकतर जो प्रयोग किए जाते हैं कहीं पर भी साधारण वर्कशॉप में, तो वहाँ पे हमारा विक्ट्रीफाइड बोन्ड से बना जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गीली जगहों पर प्रयोग किया जाने वाला बोन्ड होता है वह भी हमारा विक्ट्रीफाइड बोन्ड होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन पर, ग्राइंडिंग व्हील में बोन्ड एब्रेसिव, यहाँ पे एग्रेसिव लिखा है, तो इसको आप ये जो है एब्रेसिव होगा, एब्रेसिव को जितनी मजबूती शक्ति से पकड़ता है उसे जो है व्हील का ग्रेड कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितनी मजबूती से जो है बोन्ड जो एब्रेसिव को पकड़ता है वह हमारा व्हील का ग्रेड होता है। इसके बाद 25 देखें, जब ग्राइंडिंग व्हील में किसी धातु के कण फंस जाए तो उसे साफ़ किया जाता है, तो वहाँ पे व्हील ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य तत्व है, ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य जो तत्व है वह हमारा एब्रेसिव, बोन्ड, ग्रेड और स्ट्रक्चर, ये सभी जो है उसके मुख्य तत्व है। इसके बाद 27 देखें, फाइन ग्रेन साइज के व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है फिनिशिंग कार्य के लिए जो है फाइन ग्रेन साइज के व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि ग्राइंडिंग व्हील का कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, किस टाइप से आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 करके मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ देखें जो यहाँ पर लिखा है 15A 46L 5V 23, ग्राइंडिंग व्हील में इस
इस तरह से लिखे गए अक्षरों क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे जो है स्पेशल में करके यहाँ पूछ लेगा कि फाइव क्या दर्शाता है या वी क्या दर्शाता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसे वो कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखें, फाइव जो होता है कंपनी द्वारा दिया गया जो एक नंबर होता है, ए होता है हमारा जो मैंने आपको ऊपर बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बाद 46 होता है ग्रेन साइज और यहाँ पर एल होता है ग्रेड, फाइव होता है स्ट्रक्चर। तो इनमें से कुछ भी एक आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा तो वो आपको याद रखना है। इसको कैसे याद करते हैं मैं आपको आगे नीचे जो है वीडियो में बताता हूँ, आगे जो है स्टेप में आपको बताता हूँ। इसके बाद वी, वी होता है विक्ट्रीफाइड बॉन्ड और 23 होता है कंपनी का अपना प्रतीक चिन्ह, ठीक है, जो यहाँ पर लास्ट में 23 लिखा है, ठीक है, वी होता है विक्ट्रीफाइड बॉन्ड से बना है वी। इसके बाद देखिए 2% नंबर 2 में भी यही लिखा गया है, 49 जो है सी, 36 एच, 6 बी और 17। ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह से लिखे गए अक्षर क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 49 जो है कंपनी द्वारा दिया गया जो है एक नंबर है, सी सिलिकन कार्बाइड है और 36 जो है ग्रेन साइज है, एच है ग्रेड, 6 है स्ट्रक्चर और बी है हमारा रेजोनाइट बॉन्ड और 17 है कंपनी का अपना प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इसी तरह से जो आपको जो है डिफाइन करना है कि 49 क्या होगा हमारा कंपनी द्वारा जो है दिया गया एक नंबर है, सी हमारा सिलिकन कार्बाइड, ए यदि आया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ग्राइंडिंग व्हील है वो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जो है देखना है और उनका आंसर जो है सही लगाना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, जो है कुछ जो है अक्षर हैं जो जो डिस्प्ले हम करते हैं किसी भी बॉन्ड को, तो वह भी क्वेश्चन व एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो वी से जो है हम विक्ट्रीफाइड बॉन्ड को दिखाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। एस जो होता है हमारा सिलिकेट बॉन्ड होता है, ई होता है शेलाक बॉन्ड, पी होता है रेजिनाइट बॉन्ड और यहाँ पर आर होता है रबड़ बॉन्ड और ओ एक्स वाई होता है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड और एम होता है मेटल या मेटेलिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में कौन सा, आप यहाँ देखिए वी से वी विक्ट्रीफाइड बनता है, एस से सी सिलिकेट बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पर ई से बनता है शेलाक बॉन्ड। इसी को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो शेलाक बॉन्ड को ई से करते हैं आप जो एस ना लगा ना लगाएं। और यहाँ पर रेजिनाइट बॉन्ड को यहाँ पर देखिए आर से बनता है इंग्लिश की जो इसकी वर्ड है, तो लेकिन यहाँ बी से करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से अक्सर जो क्वेश्चन पूछा था, तो आपको शेलाक बॉन्ड को याद रखना, शेलाक बॉन्ड को ई से और रेजिनाइट बॉन्ड को बी से करते हैं, बाकी सभी के नाम जो है उनकी जो पहली जो डिजिट है उसी से हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ। इसके पर चलते हैं हम नेक्स्ट, जो है ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज का जो चार्ट कैसे देखेंगे, अब चलिए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए कोर्स में जो है ग्रेन का जो साइज होता है 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 20 और 24 होता है। इसके बाद मीडियम में 30, 36 और 46 और 54 और 60 और यदि हम फाइन की बात करें तो वहाँ पे 80, 100, 120, 150, 180 ये जो नंबर पाए जाते हैं। इसके बाद वेरी फाइन में जो पाए जाते हैं 220 है सर और 600 है। तो क्वेश्चन शॉर्ट में ये पूछा जाता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज का जो चार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो 10 से आप 100, 600 तक याद रख सकते हैं, बाकी आप पूरा चार्ट भी याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पूरा याद करें, बीच में से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो ये भी क्लियर हुआ। इसके चलते हैं नेक्स्ट, जो है ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर जो नंबर टेबल, तो इसको हम देखें कैसे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ये लिखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर लिखा है, तो डेंस जो स्ट्रक्चर होता है वह 1 से 8 नंबर पाया जाता है और जो आपका ओपन होता है वह 9 से 16 है। तो टोटल हो गए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आता है, तो 1 से 16 मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रक्चर नंबरों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 1 से 16 नंबर वही वहाँ से ही देखा, ये जो है बताया जाता है चार्ट में। तो ये नीचे चार्ट में पूरा दिया गया है 1 से 16 नंबर तक, टेंस में 1 से 8, ओपन में 9 से 16, ठीक है। और ये जो ना आप नंबर देख रहे हैं ये कोर्स मीडियम चार्ट जो ग्रेन साइज का, वो हम यहाँ से देखें। अब आप जो 36 देख रहे हैं, 36 क्या है, 36 देखिए यहाँ पे देखें, 36 जो है आपका इसमें आ रहा है मीडियम ग्रेड में, ठीक है। तो मीडियम ग्रेड है 36 का जो ग्राइंडिंग व्हील आपका ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर 36 जो है ग्रेन साइज है, मीडियम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो है इसके बाद देखें लास्ट जो एक टेबल इसमें रह गया है। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड्स होता है उसका टेबल देखें, तो दो ग्रुप में इसको जो तीन ग्रुप में बांटा गया है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट में होते हैं ए से एच और मीडियम होते हैं आई से पी और हार्ड में होते हैं क्यू से जेड। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यही होगा और ये भी हमने सभी हमने अपने नोट्स में भी डाले गए हैं, जो हमारे PDF फाइल बनाई है तो उसमें भी काफ़ी सारे इस तरह के जो है मटेरियल डाला गया है और कॉपी डिटेल में समझाया गया है। और उस जो PDF फाइल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक इस टाइप के टॉपिक की जो वीडियो है पहुँचे और उन्हें कुछ सीखने को मिले। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। और एक बात और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है हमारी अपनी वेबसाइट जो है हमारी जो www.infotrade.in पर जो है हमने सभी डाल दिए हैं। अगर आप इनको इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप विजिट करें। इस टाइप से आप विजिट करेंगे तो आपको जो है ग्राइंडिंग व्हील का जो पूरा टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग दिया गया है, आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं चाहे तो हिंदी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।